सो हेलो गाइस, क्या हालचाल, कैसे आप सभी लोग। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, और मैं यहां पर लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल बोल का, आर्क प्रामल फियर का। और आज का जो आर्क प्रामल फियर का एपिसोड है, वो शुरू करने से पहले जोड़े बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जो है गाइस वो जरूर से कर देना। अगर अभी तक आप लोगों ने यहां पे हमारी जो गाइस अमेरिकन सर्वाइवल की भाई वीडियोस भी आती रहती है और हमारे आर्क असेंडेड की भी वीडियो आती रहती है वो चेकआउट नहीं करी तो जरूर से कर लेना। और गाइज हमारा ना 100K 1,00,000 सब्सक्राइबर का गोल है यार इस चैनल पे, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने में हेल्प कर देना यार तुम्हारे भाई को 1,00,000 इस चैनल पे प्लीज गाइज, ठीक है। बाकी आज हम क्या करने वाले ना गाइज वो मैं आपको बताता हूँ। प्रामुल फेयर के आज के एपिसोड में ना बॉस स्ट्रीमिंग, जिंदगी का पहला बॉस जो है गाइज हम लोग यहाँ पे टेम करने वाले। आपको बताओगा पिछले वाले एपिसोड में बॉस के जो ना गाइज साथ यहाँ पे फाइट करते करते बहुत ज्यादा ही बार तुम्हारा भाई मर गया था, उसी बॉस को हम लोग अभी टेम करने वाले। बट उससे पहले आपसे ना एक छोटू सी रिक्वेस्ट, एक छोटू सी हेल्प चाहिए आप लोग की, ठीक है। क्या करना है बताया गाइस आपको, बताइए अपना मेन चैनल गेमिंग विद R4H1, उस चैनल पे डेली मॉर्निंग को एक प्रमोशनल वाली वीडियो अपलोड होती है, बच जाइए उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, और कुछ सीन नहीं है भाई उस वीडियो पे जो है ना गाइस। अगर 6,500 व्यूज 4 बजे से पहले हो जाते तो अपने इस वाले चैनल पे डेली 2 एपिसोड अपलोड होंगे। जिस दिन 6,500 व्यूज उस अपना मेन चैनल जो है गेमिंग विद R4H1 वहाँ पे जो प्रमोशनल वीडियो आती है उस वीडियो को जिस दिन 6,500 व्यूज 4 बजे से पहले मिलेंगे उस दिन जो है ना कि हमारे इस वाले चैनल पे 2 या फिर 3 प्राइमल फेयर की वीडियो जो है गाइस वो अपलोड होगी। तो प्लीज़ यार जाइए और उस वीडियो को बस चेकआउट करके आ जाइए, उसको बस आप देखोगे ना तो भी तुम्हारे भाई को जो ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो ज़रूर चेकआउट कर लेना गाइस उस वीडियो को, और कुछ सीन नहीं बस चेकआउट कर लेना गाइस, ठीक है, डन सीन, तो प्लीज़ कर लेना। बाकी अभी गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कुछ खतरनाक सी चीज़ें भाई, ठीक है। उस बॉस को जो है ना कि हम क्यों टेम कर रहे हैं मैं आपको बता दूँ, देखो मेरे पास वो बॉस पड़ा हुआ है, देखना ये रहा, ये उस बॉस का टेमेबल वेरिएंट। अभी हम लोग इस टेमेबल वेरिएंट को क्यों पकड़ रहे पता है आपको, पता ही होगा गाइस कि हमारे पास जो है ना गाइस यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए कोई भी गीगा को छोड़ के, ये हमारा जो गीगा है ना बवंडर भाई जिसने पिछले एपिसोड में बॉस को मारा था, उस गीगा को छोड़ के और कोई भी जो है ना बॉस के लिए डायनो हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो डिमोनिक रीपर से फाइट कर सके। ये देखो डिमोनिक रीपर, ये जो इंप्रेस है ना इससे हमारी अगली फाइट होने वाली है, बट हमारे पास ऐसा कोई भी डायनो पे अवेलेबल नहीं है जो इससे जो है ना गाइस पंगे ले सके, इसलिए मैं डायरेक्टली डिमोनिक रीपर से फाइट करने के लिए आज के इस एपिसोड में सिलेस्टियल इंडोमियस इंपरर बॉस को टेम करने वाला हूँ भाई। फुल बल्ले बल्ले शावाशाओ, फुल मजे ही मजे आएंगे, चलो आ जाओ। तो टेमिंग का काम जो है ना गाइस शुरू करने से पहले एक और चीज़ गाइस, आप लोग यार इतने प्यार से नाम डालते हो यार हमारे डायनोस के लिए, वो नाम नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना गाइज, तो थोड़ा सा नामकरण करा जाए इन लोग का। आओ गाइज, तो सबसे पहले बारी आते हैं गाइज हमारे फायर ग्रिफिन की। फायर ग्रिफिन के लिए मैंने अच्छे अच्छे नाम आप सभी से पूछे थे, तो उसमें ना सबसे बढ़िया नाम अपने एक भाई प्यारे प्यारे से मित्र ने हमारे सब्सक्राइबर ने डाला है, वो नाम है घोस्ट राइडर। ये नाम ना मुझे काफ़ी तगड़ा लगा भाई, घोस्ट राइडर इसके ऊपर सूट करता है क्योंकि ये जो है ना गाइज हमारा फायर ग्रिफिन है, फुल आग छोड़ता है अपने अंदर से, तो इसके लिए घोस्ट राइडर नाम जो है ना एकदम परफेक्ट नाम है। और ये नाम हम लोग को सजेस्ट करा गया है V94YT के द्वारा, तो V94YT थैंक यू सो मच इतना अच्छा नाम बताने के लिए, एंड अ बिग 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 शाउट आउट टू यू V94YT ब्रदर, शाउट आउट टू यू मेरे भाई। बाकी अभी घोस्ट राइडर को करते करायो, उसके बाद मैंने अपने भाई आइस वाले ग्रिफिन के लिए आपको पहले बताया था कि हम इसको आर्टिकनो नाम देंगे, बट स्टिल काफ़ी बंदों ने सेम नाम भाई यहाँ पे सजेस्ट करा इसके लिए, तो वो नाम मैं इसको दे देता हूँ आर्टिकनो। और गाइस आर्टिकनो नाम जो है ना कि वैसे मैं ही भाई इसको देने वाला था, बट स्पेलिंग पता नहीं तो स्पेलिंग मैंने सही आपको डालने के लिए बोली थी, तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने डाले जुनेद गेमिंग 94, थैंक यू सो मच स्पेलिंग सही डालने के लिए, एंड शाउट आउट टू यू मेरे भाई। वैसे आर्टिकनो नाम जो है ना गाइज वो जुनेद गेमिंग ने सजेस्ट नहीं करा है, वो हम लोग हमेशा जब भी आइस ग्रिफिन पकड़ते ना तो उसको यही नाम देते, क्योंकि आइस ग्रिफिन जो है गाइज हमारे एनी मैडम जी का फेवरेट ग्रिफिन है, और एनी मैडम जी हमेशा अपने आइस ग्रिफिन को ये आर्टिकनो ही नाम देती है, तो इसलिए गाइज मैंने उसको दे दिया है। डनसिन आ जाओ। अभी गाइज आज के इस एपिसोड में हम लोग को सबसे पहले बनाने पड़ेंगे सिलेस्टियल वाले केबल की, ना केबल के भाई वो सैडल है ना इसका, हाँ सैडल, मतलब सैडल बनाना नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हो सैडल हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो हम लोग को बस सिलेस्टियल वाले जो केबल है ना गाइज वो यहाँ पे बना लेने और हमारा काम जो है गाइज वो 25 हो जाएगा। और कंज्यूमेबल्स में जाना है, केबल्स में जाना है, और सिलेस्टियल अनलॉक थे पहले से, ठीक है। कितने बना लूँ, एक बना लूँ ओमेगा, अरे अंडा चाहिए, मतलब मुझे पहले ओमेगा को पकड़ना पड़ेगा यार, एक
क्योंकि अंडे नहीं मिलेंगे तो भाई ये केबल भी नहीं बनेगा। मैं भूल गया मेरे पास ओमेगा नहीं है मेरे दोस्तों। घोस्ट राइडर भाई आ जाओ गए चलो। थोड़ा घोस्ट राइडर भाई से ना भी मुझे ओमेगा वाला डायनो ढूंढना पड़ेगा। जब ओमेगा मैंने आलू सोरस गई यहाँ पे देखा तो था, ठीक है मैंने ओमेगा आलू यहाँ कहीं एक मिनट ओमेगा को पकड़ने जा रहा हूँ लेकिन मेरे पास ओमेगा किबल ही नहीं है मेरे भाई। रुक जाओ मुझे जल्दी से ओमेगा किबल तो पहले बनाने दो, बिना ओमेगा किबल के कहाँ से पकड़ूंगा। अरे घोस्ट राइडर भाई नीचे गिरा दे से यार तूने। ठीक है रुको पहले मैं ओमेगा किबल बनाता हूँ उसके बाद जो है कि हम लोग चलते हैं भाई ढूंढने के लिए ओमेगा डायनो। कोई भी ओमेगा चल जाएगा, वाइब्रन विवरन भी चल जाएगा भाई जी पी जी। ठीक है रुको पहले मुझे इनग्राम अनलॉक करने दो। चलो आ जाओ इनग्राम अनलॉक हो चुके तो अभी हम लोग भाई ओमेगा वाला बन जाएगा ना। एपेक्स एक चाहिए, आर यू कॉमेडी मी, एपेक्स डायनो नहीं है मेरे पास। अंडे तो थे यहाँ पे, हाँ भाई एलिमेंटल बिलिमेंटल मतलब मुझे एक एपेक्स और एक ओमेगा पकड़ना है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, आज मैंने सोचा था मैं बॉस पकड़ूंगा मेरा पूरा जो एपिसोड है ना यही सारे काम करते करते ना खत्म हो जाए मेरे दोस्तों। ठीक है एपेक्स डीलो भाई। अरे ले भाई फीमेल ऊपर से भाई, अच्छी बात है। एपेक्स डीलो गाइस मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है एपेक्स डीलो को हम लोग इससे पकड़ेंगे गाइस, ठीक है इससे पकड़ते हैं। हाँ भाई बोलो जो बात। अरे थूक, अबे थूक रहा मुंह पे। अरे यार मेरा पैरेट भी मारा जा चुका है, मुझे पैरेट को भी वो करना पड़ेगा। मेरा पैरेट भी मर गया भाई कल के बॉस फाइट में। पहले इसको पकड़ लूँ उसके बाद ओमेगा का भाई किबल बना के ओमेगा को पकड़ने के लिए चलते हैं। अरे मर जा मैं अभी यहाँ पे। मुझे एपेक्स वाला किबल तो मेरे पास होगा यार, एपेक्स किबल तो ये सामने बना रखे थे, देखो एपेक्स किबल है हमारे पास और टेमिल पर है ना अपने पास। टेमिल पर को टेमिल पर डाल देता हूँ। हाँ प्रैमल फेयर वाले टेमिल पर है, एपीएमके वाले टेमिल पर की ज़रूरत नहीं हम लोग को। ठीक है ये मिल गया। अब इससे निकाल कौन है भाई, अबे क्या टुक टुक करके आ रहा भाई पिछू मरना है क्या, डर नहीं लगता मौत से। चलो अभी जल्दी चलता हूँ इसका किबल जो है इस बनाता हूँ ओमेगा वाला, फिर ओमेगा को ढूंढने के लिए चलते हैं। अब पहले इसका अंडा निकालना पड़ेगा और अंडे निकालने की निंजा टेक्निक अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है गाइस देखो अंडे कैसे निकाले जाते, वॉच एंड लर्न। ऑलराइट सीमेंटिक बेस इलेक्ट्रॉनिक और काफ़ी ज़्यादा जमा हो चुका, हमको और ये चाहिए होंगे। चलो कोई ना एपेक्स वाला पहले भाई वो निकाल लो बाहर में। डिलो भाई को पहले बाहर निकालेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे बना लेंगे गाइस हील। डन सील ये वाली हील, ये 10 हील से काम हो जाएगा, ज़्यादा हील की ज़रूरत नहीं है हमको। उसके बाद भाई हम लोग इसकी बढ़ा देंगे थोड़ी सी हेल्थ बढ़ाने के बाद इसके अंदर डाल देना ये हीलिंग पोशन, और हीलिंग पोशन डालने के बाद ये काम हम लोग को शुरू कर देना। इससे हम लोग को मिल जाएगा अंडा इसका, देखना गाइस अंडा दे देना। हीलिंग पोशन थोड़े एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे लेकिन अभी तक अंडा नहीं दिया भाई इसने। रुको हीलिंग पोशन थोड़े एक्स्ट्रा बना 50 बना लेता हूँ। चलो इस तरीके से गाइस हमको अंडे निकालने भाई इसके, सिंपल सा तरीका है ज़्यादा मुश्किल तरीका नहीं है, और इससे अंडे जो है गाइस वो कन्फर्म 100% निकलेंगे इसकी गारंटी है भाई, गारंटी है भाई। ये देखो अंडे देगा ही देगा भाई। अबे इगली चटा भाई, इगली चटा दिया क्या इन लोग ने, फीमेल तो है ये प्रैमल फिर वालों ने इगली चटा दिया, व्हाट दिया अंडा दिया फाइनली भाई अंडा तो दे दिया भाई, अंडा तो मिल गया हम लोग को एपेक्स वाला। अब इस एपेक्स वाले अंडे को हम लोग करेंगे यहाँ पे एक का डबल डन सीन। बाकी जो पॉटी शोटी मिली है उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है ये पॉटी शोटी को ड्रॉप कर लेते हैं। तो एपेक्स वाले अंडे यहाँ पे एक का डबल हो रहे तो अभी मैं ओमेगा वाला किबल जो है जो बना सकता हूँ इजीली। किबल सेक्शन में जाते कंज्यूमेबल किबल ओमेगा किबल उनो डन सीन। चलो अभी जाके एक ओमेगा को पकड़ना है और ओमेगा का भी जो अंडा है गाइस सेम मुझे इसी तरीके से निकालना है जैसे मैंने इसके अंडे निकाले एपेक्स के। ठीक है तो ये शॉर्टकट बस मैं मारने वाला था गाइस, और कुछ नहीं है। ऐसे हम लोग को भाई भर भर के अंडे मिल सकते। चलो घोस्ट राइडर को लेकर चलते, अभी ओमेगा को ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है। आलू सोरस ओमेगा वाला आलू इधर होते यार, मैं ये वाले एरिया को पहले एक बार चेक कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पे आलू सोरस तो होते हैं ओमेगा वाले, किस्मत ने साथ दिया तो हम लोग को अभी मिल भी जाए बोल नहीं सकते। देखते चलो कोई भी ओमेगा चल जाएगा। स्पाइनो तो यार नहीं होगा ये, अरे यार यहाँ पे आलू ही नहीं है। मुझे उस दिन जो गाइस ओमेगा वाला आलू था ना उसको पकड़ लेना चाहिए था। इस ट्रे को
करप्टेड चेक हो ओके ना, आलू सोरस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आलू ओमेगा वाले इजीली मिल जाएंगे, बट यस ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। अबे आप बोलोगे भाई वो क्या बोलते हैं, वो मॉड यूज करो जिससे तुम भाई डायनोस को ढूंढ सकते हो इजीली। तो मॉड जो है ना कि जो सिंगल प्लेयर में वर्क नहीं करता, उसके लिए हाइबरनेशन ऑन करना पड़ता है, और हाइबरनेशन ऑन करेंगे ना तो अलग से और प्रॉब्लम हो जाती है दो तीन, तो इसलिए इससे अच्छा है चुपचाप ऐसे भाई बैठ के उड़ उड़ के इधर उधर ढूंढ ले हम लोग, ठीक है। अरे यार ओमेगा पकड़ना चाहिए था उस दिन, यहाँ पे था भाई, पता है आपको ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा वाले आलू थे भाई, मैंने पकड़ा नहीं उनको, मैंने मार दिया। ये लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी भाई यहाँ पे, ठीक है रुको मैं ऊपर तो जा रहा हूँ। अभी ओमेगा क्या मिले, ओमेगा स्पाइनो मिल सकता है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं सामने चलता हूँ वॉल्केनो बायोम में चलते गाइस। वाह या तो पहाड़ी हो रही है भाई मस्त, अभी वॉल्केनो बायोम में चलता हूँ और वहाँ पे मैं देखता हूँ गाइस कि हमको आलूसोरस ओमेगा वाला मिल रहा है क्या। नहीं मिला ना तो स्पाइनो को ढूंढने के लिए चलेंगे, नहीं मिला तो वाइब्रेंट को, कुछ ना कुछ तो ओमेगा वाला मिल ही जाएगा यार। हम लोग को टेंशन नहीं लेना गाइज, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का दोस्तों। चलो बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और गाइज जो मैंने चीज़ आपको बोली प्लीज़ यार तुम्हारे भाई के लिए, बस जाना अपना मेन चैनल जो है गेमिंग विद आर फॉर रिच्यूअर, और उस पर जो वीडियो अपलोड होती है बस उसको चेकआउट कर लेना, और कुछ सीन नहीं है भाई, बस चेकआउट कर लेना आप लोग को। उस पर जैसे ही 6.5 के व्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे वैसे भाई दूसरा का तीसरा भी एपिसोड प्राइमल फेयर का तुरंत अपलोड होगा अपने इस चैनल पर। डेली दो दो तीन तीन वीडियो डालेंगे, बस गोल कंप्लीट कर लेना और कुछ सीन नहीं है भाई। ओके तो फटाफट जाओ, और जिन्होंने भी चेकआउट नहीं करी प्लीज़ चेकआउट कर लो यार उस वीडियो को। चैनल का नाम है गेमिंग विद आर फॉर रिच्यूअर, मैक्सिमम लोगों को तो पता ही होगा। वैसे यार आलू सोरस आज छुट्टी पे गए क्या गाइस, ये तो उनका एरिया है ना आलू का, ये तो आलू भाई का एरिया है, बड़ा कौन सी ने आलू सोरस हो रही है, आलू सोरस का एरिया, बट आलू सोरस ही नहीं है यहाँ पे इस एरिया में, अभी एक ही जगह बचती है, बट वहाँ पे खतरा भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। जा रहा है इसमें वाइब्रेंट वैली, मेरे को लग रहा है मुझे ओमेगा वाइब्रेंट ही पकड़ना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है, मरना है कह रहे तेरे को, उसको मार दो, डोडो वाइब्रेंट बच्चा होता है भाई, सेंस मिल जाएंगे। चलो मिल गए भाई, सेंस मिल गए, डोडो वाइब्रेंट की ट्रॉफी भी मिल गई साथ में फ्री में, मिल गया मिल गया। अरे यार इसका स्टैमिना रुको, थोड़ा स्टैमिना वो करने दो, गाइस मुझे लग रहा है मुझे वाइब्रेंट ही पकड़ने पड़ेंगे। चलो यहाँ पे आराम से स्टैमिना रिकवर करने के लिए बैठ जाता हूँ, होने दो रिकवर स्टैमिना। चलो स्टैमिना तो फुल हो गया है, अभी देख के आते हैं गाइस कि यहाँ पे हम लोग को कहीं पे वाइब्रेंट वगैरह ओमेगा वाला मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। मिल गया तो सही है, वरना मुझे दूसरे वाइब्रेंट वैली में जाना पड़ेगा, और आज आलू से रोज तो भाई थोड़े से छुट्टी पे ही गए लग रहा है मेरे को तो, इसलिए मेरे को कहीं पे भी आलू वगैरह दिख नहीं रहा। वाइब्रेंट है, वाइब्रेंट तो है गुफा में भाई, नॉक्सियस वाइब्रेंट दिखाई दे रहा है मुझे, वो लाइटनिंग वाइब्रेंट आर्मर वाला, वाइब्रेंट का तो नामो निशान नहीं है वैसे यहाँ पे अभी। रुको अंदर मिल जाएगा, अगर अंदर नहीं मिले ना तो अंदर में ग्रिफिन लेके घुस जाऊंगा एक राउंड मारने के लिए, बस कोई सिलेस्टल वगैरह आना और ना बैंड बजाए। ओ ये रहा ओमी का वाइब्रेंट, तो कलर से पहचान ले, 150 लेवल भाई। अबे भाई रुको, खतरा तो नहीं आजू बाजू, रुको अबे 150 लेवल का ओमी का वाइब्रेंट घूम रहा है ये भाई, जल्दी अबे वो कहाँ पे चला गया, वाइट फैंग इधर, वाइट फैंग भाई जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ भाई साहब, किस्मत भाई किस्मत, लेट्स गो। अभी बैठ जाना, मैं फीमेल या मेल है, अरे लेट्स गो भाई, फीमेल भाई फीमेल भाई, ठीक है संभल गया थोड़ा संभल गया। आओ शिट शिट शिट, ओ शिट ओ शिट ओ शिट, अबे बैंड बजा दे मरा, अबे मेरे को हिलने नहीं दे रहा, व्हाट अबे यार ये क्या कांड हो रहे भाई, मुझे हिलने नहीं दे रहा एक जगह से, अबे भाई साहब मुझे हिलने नहीं दिया उसे, मेरी पेटी बना दी इस, मेरे को हिलने नहीं दिया भाई, ये किस अच्छा, ये लाइटनिंग वाइब्रन था, ये लाइटनिंग वाइब्रन है, ये लाइटनिंग ओमेगा वाइब्रन बहुत डेंजरस होता है यार, स्टर्न इतना गंदा देता है ना आप हिल नहीं सकते, जैसे आपने देखा मैं हिल ही नहीं पा रहा था, उसकी स्पेशल एबिलिटी है इस लाइटनिंग वाइब्रन की, यार मैं बिना कुछ सोचे समझे घुस गया भाई वहां पे, ये मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी भाई, वाइट फैंग को बुला दो, अनकॉन्शियस यार, अब क्या करें अब क्या करें अब क्या करें, रुको रुको प्लान एक्स वाई जेड यूज करना पड़ेगा, नारकोटिक सारा इधर डालो, सारा नारकोटिक इधर डालो, ओ
ओरिजिन वाला नारकोटिक बन रहा है, बनाओ। क्यों नहीं बन रहा ओरिजिन नारकोटिक? और बनाओ और बनाओ और बनाओ जल्दी। ओरिजिन नारकोटिक से पकड़ेंगे हम उसको। डेंसिन बनाओ, जितना बन सकते हो उतना बनाओ। कितना? हाँ ठीक है। एरो कितनी बन रही है ओरिजिन वाले? यार इन ग्रामीण लॉक करने दो पहले। भाई भूत बना दिया भाई, मेरा भूत बना दिया। ओरिजिन एरो कितनी बन रही है? और उसके लिए नॉर्मल लेना भाई, नॉर्मल एरो। ठीक है, मेरे पास बो है ना, बो यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उसको एक बार मारूंगा, उसके बाद वो मुझे कंटिन्यूस तगड़ा वाला स्टन देखे रखेगा। अभी भी अगर मैं जाऊँगा ना तो मेरे साथ वही होने वाला है, मुझे स्टन ही देने वाला है वो। तो मुझे भाई, मैं उसके स्टन से तो इम्यून नहीं हो सकता, उससे स्टन से बचने के लिए एक पोशन बनाना पड़ता है, और वो भी मुझे पता नहीं भाई अच्छे से वर्क करेगा कि नहीं। बट लेट्स से आ जाओ, देखते हैं। अभी भाई जाना है, पहले तो मैं अपने भाई उसको बचा लूँ यार, नॉक्सियस ग्रिफिन को। वाइट फैंग भाई वहाँ पे मरा पड़ा है, घोस्ट राइडर भाई। उसको पहले मैं उसको चुम्मी दे के ना बेहोश करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। हाँ भाई ये कर लेता हूँ ना, दूर से अगर लग जाए तो, क्योंकि मेरे पास 10 एरो है, अगर 10 एरो खत्म हो गए तो मुझे नारकोटिक वगैरह बनाना पड़ेगा वापस से, वो अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। देखते चलो, मैं जा रहा अभी फिलहाल के लिए, रुको। अबे चलना भाई जल्दी। अरे यार ये सफेदी की दुकान दिख रही है, जल्दी जल्दी पहुंच जाना है भाई, वो मेरे कहीं ग्रिफिन को जो ना कहीं मार ना डाले। संभल के भाई। अच्छा वो मेरा, अच्छा नॉक्सियस ग्रिफिन तो मरा पड़ा है, फिर मरने वाला है। He's gonna die. नहीं यार, उसने मेरे व्हाइट बैंक की बैंड बजा दी यार। अबे पैसे ये देखो, ये बम से बचना है। नहीं यार, नहीं भाई, ओरिजिन एरो तो मार दी बट हट यार कैसे। अबे बोल देता कुछ इसको बट इतना डैमेज है क्या इसका? हट भाई, पहले इसको पकड़ लूँ यार, पकड़ लूँ इसको चमन को। रुको, ऐसे नहीं उतर सकता, वो मेरे को इफेक्ट दे देगा लाइटनिंग वाला, मर भी जाऊँ मैं। आए रे हमारी फूटी किस्मत गाइस, आए रे हमारी फूटी किस्मत। ये वाइब्रेंट कुछ ज्यादा ओवर पावर्ड निकला। अभी मेरे पास नॉकआउट करने के लिए, किसी को भी नॉकआउट करने के लिए भाई ग्रिफिन नहीं है बेचारा, मेरा वाइट फैंग। अरे भाई अबे उसकी टेप कैसा चमन है, आखिरी बार उसको देखने भी नहीं दिया यार, डेड बॉडी खा गया ये चोमुनसा घोस्ट राइडर बेचारा, मर गया गाइस। चलो कोई ना भाई, मिलेगा कहाँ पे, लेकिन बड़ी मुश्किल से, वो भी लकीली मिल गया था यार, वो मेरे को रैंडमली मिल गया था वो, अब पता नहीं कब मिलेगा यार। एक मिनट रुक जाओ, उसके डाइव बॉम्ब पे क्या दुनिया गई थी क्या अभी? अच्छा भाई क्या बोले यार। चलो कोई ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ढूंढना बस डिफिकल्ट हो जाएगा अभी नॉक्सियस ग्रिफिन को, मुझे पकड़ना तो पड़ेगा क्योंकि मेरे पास, अच्छा नहीं एक काम कर सकता हूँ, नॉक्सियस ग्रिफिन नहीं मिला तो हमारे पास अभी ओरिजिन वाले एरोज वगैरह तो है, वैसे इसके इस्तेमाल से काम हो जाएगा अपना, ठीक है। देखते चलो, लेट्स देखते देखते स्किन वगैरह मिले ड्रॉप करने दो। आ जा वाइब्रेंट चमन, मैं मार दिस भाई इसने, ओमेगा लाइटनिंग वाइब्रेंट आ जा, अभी अंडे दे दे अभी चुपचाप से। रुको इसको भाई वो हील खिलाने दो, ले ले। क्या बोले यार, दे जल्दी अंडे दे ओमेगा, ये देखो ओमेगा वाले बहुत ज़्यादा जल्दी अंडे देगा, देखना ये 3-4 अंडे डाल देगा, एक भी नहीं डालेगा, देखना कितने सारे अंडे डालेगा अभी। ये देखो मेरे को पता है ना भाई, ओमेगा वाले भर भर के अंडे डालते हैं, ओमेगा वाले भर भर के अंडे डालते हैं, भर भर के। देखो ये देखो, ये देखो भाई भाई भर भर के। चल आ जा यार, लेकिन तूने गलत कर दिया यार, इसने इसको मार भी नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ओवर पावर्ड है, इसने व्हाइट फैंग को मारा, मतलब इसकी पावर तो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक काम कर लेते, आज ना मैं भाई ओमेगा लाइटनिंग वाइवरन के आपको पावर दिखाता हूँ, अगले एपिसोड में हम बॉस को पकड़ने का काम करेंगे। किबल चिबल भाई बन रहा है ना, हाँ किबल ये भी बन जाएगा, डिमोनिक वाला भी किबल बना कर रख लेता हूँ, ठीक है। डिमोनिक और सिलेस्टियल दोनों किबल बना कर रख लेता हूँ मैं अपने पास। चलो आ जाओ, इसका एक का डबल भी कर लेता हूँ, चलो इसका एक का डबल भी कर लेते हैं। ये अंडे वो कलेक्टर उठा लेगा क्या? आउट ऑफ रेंज होगा इसके, आउट ऑफ रेंज होगा, रुको
कोई ना भाई, मैंने उठा लिया। मैं किबल को एक का डबल करने के लिए डाल देता हूँ, बाकी जो पोटी शॉटी है इसको हम लोग यहाँ पे। ओ किबल एक का डबल हो गया, सिलेस्टल वाले किबल को भी एक का डबल कर लेता हूँ मैं। चलो ठीक है, होने दो गाइस इसको भी एक का डबल। तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और आरआईपी डॉक्शियस ग्रिफिन, आरआईपी ग्रिफिन लिख देना यार चार्ट में, बेचारे की आत्मा को शांति मिल जाएगी यार। बहुत गंदी मौत मरा यार, लेकिन सच में यार बुरा तो लग रहा है। मैं उसको बचाने जा ही रहा था भाई, लेकिन उसने मेरे को थोड़ा स्टन वगैरह नहीं, उसने एक बाइट अटैक में फेल दिया यार उसको। मैं बचाने जा ही रहा था, उसके नज़दीक पहुंच पाता उससे पहले उस वाइवरन ने उसकी बाइट बजा दी, उसका डैमेज बहुत तगड़ा, 40,000 हिलती भाई बची हुई, फिर भी कैसे एक बाइट अटैक में मार दिया इस वाइवरन ने। वो इसका भाई मेरे सैडल बना सकता हूँ, कड़ा मैं एक सैडल ऑप ओमेगा वाइवरन, हाँ आई कैन, ठीक है बना लेता हूँ, चलो बना लेता हूँ सैडल बना लेता हूँ ओमेगा वाइवरन का, क्या ही प्रॉब्लम है। बाकी जो हाइड वगैरह मेरे पास है वो यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है। ये रहा ना आपने ओमेगा लाइटनिंग वाइवरन, आ जाओ गाइस थोड़ी देखी जाइए ओमेगा लाइटनिंग वाइवरन की ना पावर कितनी ज़्यादा है। चलो इसको बाहर निकाला जाए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यार हमारे ग्रिफिन किलर का जो है ना गाइस टोबड़ा, जिसने हमारे ग्रिफिन को मारा है भाई। ये देखो यार दिखने में तो थोड़ा सा घटिया सा ही लग रहा है वैसे, लाइटनिंग वाला जो ओमेगा वाइवरन है वो, इसमें आइस वाला जो वेरियंट होता है ना अगर होगा तो वो बढ़िया लगेगा, ये लाइटनिंग उतना अच्छा खास कुछ लग रही है, लेकिन ठीक है चलो ओके। उसके अंदर से ऐसे लग रहा है भाई, देखना आग लगी पड़ी है इसके अंदर, देखो ऐसे लग रहा है गोल्ड जो है इसके नसों में बह रहा है, लुक तो बढ़िया ही है इसका। वैसे अटैक कौन कौन से वो भी मैं आपको दिखा दूँ जरा, रुको। वो स्टन वाला अटैक ना बहुत घटिया अटैक है, मैं अपने बेस पे नहीं मारना चाहता इसलिए मैं बाहर लेके आया हूँ इसको। अटैक दिखा भाई, बाइट अटैक, ये लाइटनिंग अटैक, ठीक है इससे टॉर्पोर वगैरह भी चढ़ता है इसी पे। ये अटैक बहुत खतरनाक है, इस अटैक में बहुत गंदा स्टन पड़ता है, बहुत गंदा स्टन। और ये विंग्स पड़ पड़ाने वाला कुछ तो है, इसके अलावा और कुछ नहीं भाई, इतने में इतने ही मिलता है बोल रहा है वाइब्रेंट। ठीक है भाई की थोड़ी लेवलअप कर लूँ, वेट में एक पॉइंट 10,000 भाई स्टैमिना कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं ठीक है, क्योंकि इससे भाई बॉस फाइट कराऊंगा मैं अभी। भाई ये बॉस से भिड़ेगा भाई डायरेक्टली, अभी इसने उंगली करी है भाई, इसको बॉस से भिड़ना पड़ेगा। तीन मिलियन हेल्थ हो जाएगी, हाँ बस ज़्यादा नहीं, 3 मिलियन हेल्थ हो गई ना, अब 3 मिलियन हेल्थ इनफ है भाई, 3 मिलियन हेल्थ से हम लोग 150 मिलियन हेल्थ वाले बॉस को मारेंगे। आओ आओ पहले भाई की भाई मैक्स लेवल कर लो, आ जा भाई इधर मैक्स लेवल करता हूँ, आ जा पहले इससे थोड़ा शिकार करना पड़ेगा और उसके बाद भाई मैक्स इसकी मैक्स लेवल हो जाएगी, ठीक है थोड़ा शिकार कर लेता हूँ। और डैमेज तो बढ़िया जा रहा है, डैमेज बढ़िया जा रहा है, 1 मिलियन तक चला जाएगा मुझे लग रहा है भाई इसका डैमेज, इसीलिए मैक्स लेवल हो गई होगी आई थिंक से, हाँ हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें भी मिल गई इसको। रुको इसकी भाई, हाँ डन सीन गाइस, इसकी मैक्स लेवल कर दी है 312 जो है गाइस वो हमारी इस ओमेगा लाइटनिंग वाइवरन की मैक्स लेवल यहाँ पे 312, ठीक है। इसका लाइटनिंग वाला अटैक में मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं, इसका सी वाला ये जो अटैक है ना इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि इसी अटैक से चमन ने इसी अटैक से भाई मारा है मेरे ग्रिफिन को स्टन कर करके, वो भी भाई स्टन कर करके, ठीक है। अभी डैमेज 1 मिलियन डैमेज जा रहा है लाइटनिंग का भी डैमेज बढ़िया यार, 2 लाख 2.5 लाख डैमेज वो भी कंटिन्यूस देगी। और ये सी कहाँ गया, 500, अच्छा मतलब ये डैमेज नहीं, अच्छा यार ये अटैक जो है कैसे डैमेज वाला अटैक नहीं है, नहीं है डैमेज भी जा रहा है 3 लाख का डैमेज, अच्छा एक बार पड़ेगा तभी डैमेज पड़ेगा और कंटिन्यूस इसका स्टन जाएगा सिर्फ, ये स्टन वाला अटैक है गाइस इसका, डैमेज वाला अटैक नहीं है, मतलब इस अटैक से भाई हमारा ग्रिफिन नहीं मरा, बस इस अटैक से एक बार उसको डैमेज पड़ा और उसके बाद वो स्टन हो गया भाई, खतरनाक है। लेकिन 7 लाख का इसका भी डैमेज जा रहा है, ठीक है बढ़िया ही है भाई। चलो एक काम करता हूँ, पहले जाके ना किसी प्राइमल की बुर्जी बनाता हूँ, उसके बाद अगर मुझे लगा ये पावरफुल है तो इसको मैं ओमेगा से भिड़ाऊंगा, इसको भी अपने आप को साबित करना पड़ेगा अगर ये मरना नहीं चाहता है तो, क्योंकि इसने मेरे व्हाइट फैंग को मारा है यार। अगर ये पावरफुल हुआ तो ये भाई बचा रहेगा, अगर ये टट्टी हुआ तो इसका काम हमारे लिए खत्म हो चुका है, इसको स्वाहा कर दूंगा मैं, स्वाहा कर दूंगा डायरेक्टली। इसने मेरे व्हाइट फैंग की बैंड बजाई है भाई, मेरा प्यारा नॉक्सियस ग्रिफिन भाई उसको मारा है इसने, इसकी सजा तो इसको बराबर मिलेगी। चलो आ जाओ भाई, हाँ भाई प्राइमल ये रहा प्राइमल, इसको भाई स्टन, अच्छा इस बियर को स्टन देता हूँ, बियर वहाँ पड़ेगा हिलना नहीं चाहिए अपनी जगह से, अरे बेचारा धीरे धीरे आ रहा है, वो डैमेज यार ये गाइस लाइटनिंग का डैमेज है,
लाइटनिंग का डैमेज जा रहा है गाइस, लाइटनिंग लाइटनिंग अटैक जो है गाइस अपना, उसका डैमेज जा रहा है। स्पीयर नजदीक नहीं आएगा, स्पीयर नजदीक क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको स्टन डाल रखा है, दैट्स व्हाई। वो लाइटनिंग अटैक का डैमेज दे रहे, लाइटनिंग अटैक का डैमेज तगड़ा जा रहा है। अगर मैं उड़ उड़ के मारू तो मैं डैमेज भी ना खाऊ इसका। ये देखो स्टन, स्टन देखना उस बियर को कितना स्लो कर रहा है, स्टन बहुत गंदा स्लो कर रहा है उस बियर को। अच्छा ये मेरे को पप्पी देने के लिए आया, मैं ऐसे ही मार दू इसको, पप्पी लेते लेते मार दू इसको। ये लो भाई, भाई ये तो इजीली मर जाएगा, इसने अपने मौत को बुला दिया है भाई, ये इजीली मर जाएगा भाई, इजी पीजी। बस मेरा स्टैमिना खत्म नहीं होना चाहिए, ये ऐसे अगर मेरे को मारते भी रहेगा ना तो भी इसकी बाढ़ बच जाएगी, क्योंकि मेरा लाइटनिंग वाला अटैक जो है उस बियर को पड़ रहा है। देखना मेरे को कैसे उठा के लेके जा रहा है भाई, लो कहा लेके जा रहा है, नॉटी नॉटी बियर साहब, मरने वाला होगा तू, तेरी हेल्थ कितनी है दिख भी नहीं रही है, क्योंकि ये उठा के लेके जा रहा है मेरे को। ओ भाई खत्म है, खत्म है, खत्म। अच्छा इसको स्टन दो, स्टन दो, स्टन दो भाई को। और स्टन से निकलते ही भाई तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। पूरा मेरे लाइटनिंग अटैक इसको नहीं लग रहा, फिर भी स्किल इसको डैमेज तो भाई तगड़ा वाला पड़ रहा है, मरने वाला है कैसे। ये ग्रिफिन से ज्यादा स्ट्रांग है भाई, ये तो मारना पड़ेगा। जो मेरा ग्रिफिन था ना वो इतनी आसानी से इस बियर को नहीं मार पाता। ये लो खत्म, कहानी खत्म भाई, लेट्स गो। और भाई मैंने इविंग क्वेश्चन भी एक आध बार पिया होगा, वरना वो भी नहीं पिया, ऐसे मार दीज भाई इसने तो। यार वाइब्रन में दम तो है, ओमेगा से फाइट लू क्या गई, देख ओमेगा से फाइट, ओमेगा नहीं सॉरी ओरिजिन से फाइट लू क्या, क्या बोलती पब्लिक, मन तो कर रहा है मेरा एक ओरिजिन से ना फाइट लेने का, बट मिले तो मेरे को कहीं तो, इतने दूर से मेरा ड्रैगन यहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ, लू क्या गई इस फाइट। अरे यार आइस ग्रिफिन था ना, इसको पकड़ना तो था, बट अभी हमारा नॉक्सियस ग्रिफिन ही नहीं तो ओरिजिन एरो यूज करनी पड़ेगी, जो भाई ग्रिफिन के ऊपर यूज करना थोड़ा डिफिकल्टी होता है। क्या ओरिजिन नहीं है, ठीक है एक काम कर दे गाइस, हम लोग ना लेते यार पंगा, चलो आ जाओ लेते गाइस, लेते लेते पंगा लेते, रेक्स वर्सेस हमारा खतरनाक सा, और हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हमारी हीलिंग पोशन भाई, ये वाले ओनली ये हीलिंग पोशन यूज करेंगे, आओ रेक्स वर्सेस वाइब्रेंट, चलो चलो गाइस, चलो चलो चलो, डरे क्या भाई, ओरिजिन रेक्स वर्सेस ओमेगा वाला वाइब्रेंट, देखते भाई हम लोग जो है ना कि मार पाते कि नहीं ओरिजिन रेक्स को भाई हमारे ओमेगा वाइब्रेंट से। स्टन वाला अटैक तो उतना काम नहीं आएगा, लेकिन लाइटनिंग वाला अटैक पे मुझे भाई थोड़ा सा भरोसा तो है, ठीक है आ जाओ, बुला रहा हूँ मैं उसको, बुला रहा हूँ बुला रहा हूँ, मेरे पास उनके स्पॉनर पड़े हुए हैं भाई, मैंने इक्का डबल जो करे थे भाई इतने सारे, चल इसको, अरे कार्नो बुला लिया, चलो कोई ना कार्नो से फाइट ले लो, कार्नो से फाइट ले लो, बिजली का झटका खाएगा भाई। अरे कार्नो स्टैमिना ड्रेन करता है, लेकिन कार्नो थोड़ा चमन होता है गाइस, कार्नो थोड़ा सा चमन होता है क्योंकि स्टैमिना ड्रेन और वो इफेक्ट भी डालता है, जो मुँह क्या बोल ब्लीडिंग इफेक्ट। मेरा स्टैमिना क्या हालत देखो, स्केल कितनी डाउन है, और स्केल तो बस इतनी सी डाउन करी है, एटलीस्ट एक ओमेगा को तो हम मार के रहेंगे भाई, अपने वाइब्रन से एक ओमेगा की तो बैंड बजा के रहूँगा मैं भाई। स्टिमुलेंट मिला था तेरे को, नहीं मिला तो अभी भाई रुक तेरे को खिलाता मैं स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट इसके काम आ जाएगा अभी काफ़ी ज़्यादा, इसका स्टैमिना जो है इसके वो स्टिमुलेंट से रिकवर हो जाएगा। अबे लैंड तो कर वाइब्रन, पागल पागल हो गया भाई वाइब्रन, फायर तो तगड़ी चल रही, फायर तो तगड़ी चल रही, बट मैं मार नहीं पा रहा हूँ इसको, मेरा अटैक पड़ रहा है क्या, इसने मेरे को गोदी में उठा लिया है, तो मेरा अटैक जो है उतने अच्छे से नहीं पड़ रहा है इसको। डैमेज तो जा रहा है भाई, डैमेज तो जा रहा है इस बार, डैमेज तो जा रहा है, इसको स्टन भी दे रहा हूँ मैं, डैमेज भी पड़ रहा है, बट उतनी जल्दी जल्दी गई जिसकी हेल्थ डाउन नहीं हो पा रही, उठना पड़ेगा उठना पड़ेगा उठना पड़ेगा, मेरी हेल्थ भी डाउन हो चुकी है, ऊपर से मेरा स्टैमिना भी ड्रेन है, तो उसकी 10% हेल्थ तो डाउन कर दी है, ठीक है स्टैमिना रिकवरी जब वो ब्लीडिंग इफेक्ट रटेगा तब भाई होगी आप है, और हेल्थ रिकवरी के लिए 30 सेकेंड बचे हुए हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है इसको मारना, बट नामुमकिन नहीं है, हम मार सकते हैं भाई इसको, मार सकते हैं ऐसी बात नहीं है, मार सकते हैं भाई,
उसका वैसे ज्यादा डैमेज तो नहीं पड़ेगा बट स्टिल यार, तो ऊपर से पड़ रहा है तेरे को लाइटनिंग बेटा, यहाँ से लाइटनिंग पड़ रहा है, यहाँ से लाइटनिंग, अच्छा लाइटनिंग अटैक का ही तो पर भाई अच्छी बात है, कहीं पे भी बैठ के आराम से मार सकते हो आप, कहीं पे भी बैठो आराम से भाई फेल, पढ़ रही है क्या, लेकिन पढ़ तो रही है लेकिन भाई भाग गया थोड़ा, नहीं आएगा ये रिटर्न आएगा, मैं तो यहीं पे बैठ के मारूंगा ताकि इसका एटलीस्ट वो स्टैमिना ड्रेन वाला अटैक जो है वो मुझे ना पड़ सके, थोड़ा डिफिकल्ट है यार, टाइम लग जाएगा क्या जिसको मारने में, ठीक है भाई 350 लगभग 60 मिलियन इल्ड डाउन कर दिए मैंने इसकी, देखना अभी स्लो होगा, अबे इसके ऊपर अच्छा ओरिजिन के ऊपर इफेक्ट नहीं बस कर रहा, ओरिजिन के ऊपर इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा क्या, मार 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 मार, लाइटिंग डाल लाइटिंग डाल, बैज लाइटिंग डाल इसको 10 मिलियन, एक लाइटनिंग में इसकी अच्छी खासी एल्ड डाउन कर रहा हूँ यार, इसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको इतना तो पता चल चुका है गाइस कि ये वाइवरन काफ़ी पावरफुल है, हाँ और ये जो है गाइस अपने उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, ग्रिफिन से ज़्यादा, बवंडर भाई को भाई रुको, मरना है क्या, डर नहीं लगता, इसने मेरे को उंगली करा बिठा ले, मेरे को लेके उड़ रहा था भाई, चील कौवे उंगली कर रहे हैं, मरना है क्या बेटा, डर नहीं लगता तेरे को, बाइट अटैक का डैमेज कितना पड़ेगा कारणों के ऊपर, लेट मी चेक आ गई, लेट मी चेक, बाइट अटैक का बढ़िया डैमेज पड़ेगा बाइट अटैक, एक्चुअली बेटर रहेगा बाइट अटैक से, मैं इसका ब्रांड बचा सकता हूँ इजीली, हाँ बाइट अटैक से मारना जो है कि उसको थोड़ा बेटर है, लाइटनिंग वाले अटैक से जो है ना बेटर डैमेज आ रहा है बाइट अटैक का, मेरे हेल्थ आधे से ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, सो नाउ आई एम यूज पोशन, और मर जाता यार, हीलिंग पोशन का कूलडाउन था, मुझे ये हीलिंग पोशन यूज करना पड़ा भाई, हीलिंग पोशन का कूलडाउन था, ठीक है ठीक है ठीक है, वी कैन डू इट वी कैन डू इट वी कैन डू इट गाइस वी कैन डू इट एक्चुअली वी कैन डू इट वी कैन इजीली किल दिस, तो मुझे कारनों को हम इजीली मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टैमिना ड्रेन होने के बाद मुझे बाइट अटैक करते रहे, ये हीलिंग पोशन की यही दिक्कत है, इस हीलिंग पोशन की यही दिक्कत है कि ये भाई 40 कराते रहता है भाई बार बार, कारनो भाग का रहा है बिटवा, एक कारनो को तो एक ओरिजिन को तो पेलना है मेरे को, चलो मैं अपना नॉर्मल हीलिंग पोशन जो एपीएम के वाला वो यूज करता हूं भाई, इसने ओमेगा वाले एंटी दे दिए भाई, ओमेगा वाले एंटी डाल दिए, देख रहा भाई इससे फाइट करते करते, क्योंकि ये 40 भी करे जा रहा है कंटिन्यूस ना, तो उसके साथ भाई इसके अंडे भी निकल रहे हैं ओमेगा वाले, आप देख ही पा रहे होंगे कितने सारे अंडे ओमेगा वाले भाई जमीन पे पड़े हुए हैं, हाँ मेरे पास स्टैमिना नहीं तो मैं और कोई अटैक जो है गाइस वो फिलहाल के लिए यूज नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, ठीक है क्योंकि मेरे पास, अरे यार ये फॉर्टी वाले इफेक्ट अगर नहीं होता ना तो ये बहुत ज़्यादा आसानी से जल्दी मर जाता, ये 40 इफेक्ट जो है गाइस वो दिक्कत दे रहा है थोड़ी, ठीक है थोड़ी दिक्कत तो दे रहा भाई, थोड़ी दिक्कत तो दे रहा, चलो अभी मैं आराम से मार सकता हूँ इसको क्योंकि वो हीलिंग वाला जो इफेक्ट है वो हट चुका है, अभी बस मुझे एफ एम क्यू वाला हीलिंग पोशन भाई यहाँ पे यूज़ करना है, जब इसके आधे से ज़्यादा हेल्थ जो है वो डाउन हो जाएगी, ऐसे मार मार के मैंने कारनों की भी आधे से ज़्यादा हेल्थ तो डाउन कर ही दिया, ठीक है हेल्थ ही 400 मतलब 200 तक अगर मैं अटक गया बेचारा, दो पत्थरों के बीच में अटक गया, अरे क्या कारनों बनेगा रे तू, क्या कारनों बनेगा गाइस ये, और निकल गया निकल गया, ये देखना मैंने कितने ओमेगा अंडे डाल दिए बस, कितने सारे भाई इसको आने दो, तब तक मैं अपना स्टैमिना रिकवर कर लूँ, थोड़ा लाइटनिंग बीटनिंग फेंक के मारूंगा इसको, आने दो भाई आने दो, भागे जा रहे भागे जा रहे, मेरे घर पे जाएगा क्या बेटा, घर पे जाएगा क्या मेरे, थोड़ा स्टैमिना तो रिकवर हो गया था, लाइटनिंग वाला अटैक डाल दिया भाई, थोड़ा सा स्टैमिना रिकवर हो गया था उससे, मैंने इसको लाइटनिंग इफेक्ट दे दिया, हेल्थ कितनी बची लगभग भाई, आधी हेल्थ इसकी डाउन होने वाली है, आधी हेल्थ ऑलमोस्ट डाउन होने वाली है, मेरी भी मैं हीलिंग पोशन पी सकता हूँ, हमारा कारनो नहीं पी सकता गाइस, ठीक है आओ भाई आओ, ये हवा में उठा रहा है मेरे को बार बार, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 50% हेल्थ जो है गाइस वो कारनो के अभी डाउन हो चुकी है, 400 मिलियन थी उसमें से 200 मिलियन सिर्फ हेल्थ उसकी बची हुई है, अभी बस हम लोग को जल्दी जल्दी से जो है इसका गेम बजा डालना, जल्दी जल्दी इसको मार देना मेरे को, मैं हीलिंग पोशन पी लेता हूँ वरना मेरे को ना उल्टा मार दे भाई, शाबाश 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 मेरे शाबाश,
शाबाश 100 मिलियन 190 मिलियन गाइस स्केल आ चुके हैं। कंटिन्यूस गाइस मुझे इसको मारते रहना, तभी जाके मरेगा। और मुझे दिखाना है आपको कि हमारा ओमेगा भी भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। ग्रिफिन से एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है अपना ओमेगा, एक लाइट तो बनता है ओमेगा के लिए। और जब तक ये फाइट चल रही है तब तक थोड़ा प्रमोशन गाइज अपने मेन चैनल पे गेमिंग के डार्को रिचुवन वाले चैनल पे ना, प्रमोशनल वाली वीडियो डेली मॉर्निंग को अपलोड होती है। प्लीज़ गाइज जाके उसको चेकआउट कर लेना, जिन्होंने भी नहीं करा होगा बस चेकआउट कर लेना, और कुछ सीन नहीं है। इसे तुम्हारे भाई को जो है गाइज काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इस पर 6.5 के व्यूज अगर 4 बजे से पहले आ जाते हैं तो हम लोग प्राइमल फेयर का एक और एपिसोड 5 बजे अपने चैनल पे अपलोड कर लेंगे। मतलब डेली 2 एपिसोड आ जाएंगे भाई चैनल पे, पर उसके लिए आपको उस प्रमोशनल वीडियो पे जो 6500 व्यूज 4 बजे से पहले 4 PM से पहले कंप्लीट कर देने गाइज, ठीक है। तो कर देना मेरे दोस्तों, अभी 150 मिलियन तो अभी भी बची हुई यार उसकी भाई। कारनों को मारने में टाइम तो लग रहा है यार बहुत ज्यादा, लगा था मैं इजी, मतलब मुझे 150 और बाइट अटैक उसको देने पड़ेंगे तब कहीं जाके ये कारनो मरेगा भाई, तब कहीं जाके ये मरेगा। मैं इसको तो मार के रहूंगा, 150 भी नहीं बचे अभी तो 130 बचे, मेरी आधे हेल्थ डाउन हो चुके, हीलिंग पोशन खाना पड़ेगा थोड़े टाइम में। ये इसके डैमेज से मेरी हेल्थ डाउन नहीं हो रही है, ये मुझे ना ब्लीडिंग इफेक्ट दे रहा है। ऊपर आप देख सकते हो एक हड्डी टूटने वाला इफेक्ट जो है ना गाइस, उस इफेक्ट के रीजन से मेरे वाइब्रेंट की हेल्थ डाउन हो रही है। वो इफेक्ट बहुत खतरनाक है भाई, वो परसेंटेज में हेल्थ डाउन करता है आपकी, तो इसलिए इतने जल्दी जल्दी जो ना कि मेरी हेल्थ ड्रेन हो रही है यहाँ पे। अरे यार दीवार में घुसेड़ देगा क्या, दीवार में घुसेड़ देगा क्या भाई कार में, अरे घूम के मार इसको, घूम के मार, घूम के मार। कहाँ जा रहा भाई, अब तो गुफा में घुसने जा रहे हैं। अबे हेलो, अब तो गुफा में घुस गया, अबे रिटर्न आ जा ना, आ रहा क्या, आना तो पड़ेगा रिटर्न भाई को। आ गया आ गया, बोला तो आएगा तो रिटर्न। लाइटनिंग भी खा ले थोड़ी देर, इसी बात पे लाइटनिंग अटैक भी खा ले, स्टैमिना है तब तक लाइटनिंग अटैक देते रहता हूँ इसको। यार लाइटनिंग अटैक से काफ़ी तगड़ा डैमेज जा रहा है भाई, देखना तो देखना गाइस 80 मिलियन तक मैं हेल्थ लेके आ चुका हूँ भाई बस लाइटनिंग अटैक से 100 से। चलो अब इसकी 80 मिलियन जो हेल्थ है गाइस ये भी हमको डाउन करनी है, और ये खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय बाय। लो बेटा जिंदो नहीं पूछेगा तू, मार दूंगा बेटा, काट दूंगा भाई इस ओरिजिन कारनो को। मैं बहुत ज़्यादा घमासान फाइट चल रही है और अभी थोड़ा सा बोर होने लग गया भाई, क्योंकि मरने का नाम नहीं ले रहा ये और ना ही मेरे को मार रहा है। मैं हीलिंग पोशन खा रहा हूँ वरना मार देता मेरे को ऐसे, ठीक है। 50 मिलियन ओ 60 मिलियन बची हुई है, 50 तक लेके आता उसको। अभी क्या हुआ, मेरा अटैक नहीं पड़ रहा उसको, अच्छा मुझे एकदम ऊपर हवा में उठा के रखा है इसने, इसलिए लो मेरी किस्मत। अभी इसको हम लोग भाई अपनी विक्ट्री मारेंगे। डिस्पॉन हो गया वो भाई, डर गया डरपो को, डिस्पॉन हो गया चमन वो, देख रहे हो भाई चूमुगिरी देख रहे हो गाइस ये। वाह भाई भाई ये गल्लूर को मैं अपने अंडे उठा लूं भाई, डर गया वो, उसकी 50 मिलियन हेल्थ बची थी, 58-56 मिलियन, वो डर गया और भाई डिस्पॉन डायरेक्टली, ठीक है भाई कोई ना चलो। लेकिन वाइब्रेंट में दम है, इतना तो पता चल चुका है हम ओरिजिन को तो मार सकते हैं इससे, आप बस हीलिंग पोशन चाहिए होंगे, बिना हीलिंग पोशन के मारना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बाकी इसका जो काम था अंडे देने का वो तो यहाँ पे हो चुका है, बट आज हम लोग ने हमारे पैरे से एक पार्टनर को खो दिया जो है अपना नॉक्शियस वाला ग्रिफिन, तो यार उसके लिए RIP नीचे कमेंट में ज़रूर से लिख देना, ओके। बाकी आज का हमारा ये वाला जो एपिसोड है प्राइमल फेयर का वो हो जाता है गाइज यही पे समाप्त गाइज, ठीक है। आपसे मिलते सीधा अगले एपिसोड में, आपको सर्वाइवल बोल के अगले एपिसोड में बॉस टीमिंग होने वाली, तो अगला एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं करना। और हमारा ये स्टन करने वाला जो लाइटनिंग वाइब्रन है जो सबको स्टन कर करके मार सकता है, वो आपको कैसे लगा जरूर बताना, और इसके लिए ना बढ़िया से नाम भी नीचे कमेंट में डाल देना, ठीक है। आपके मर्जी से जो भी आपको अच्छा नाम लगे डाल देना, और जिसका भी नाम अच्छा होगा उसको हम लोग शाउट आउट दे देंगे। बाकी आज का एपिसोड हो जाता है ये पे खत्म, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। जाते हैं तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपना मेन चैनल जो है गेमिंग विद आर4 रिचुवन वहाँ पे जो प्रमोशन वीडियो अपलोड होती है उसको डेली जरूर चेकआउट कर लेना। उस पर अगर 6.5 के व्यूज 4 बजे से पहले हो जाते हैं तो 5 बजे तुरंत एक और एपिसोड अपने इस वाले चैनल पे अपलोड हो जाएगा, प्लीज यार जाके चेकआउट कर लेना तुम्हारे भाई के लिए। बाकी होता आज का एपिसोड यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय गाइस।
And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright.